पटना पुलिस को मिली कामयाबी, आपराधिक योजना बनाते हुए कुख्यात अपराधी अरविंद कुमार बाबा संग कालू शर्मा को दिग्घा से गिरफ्तार किया गया। दिग्घा थाना अध्यक्ष को गोपनीय सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधकर्मी अरविंद कुमार उर्फ बाबा अपने कई गिरोह गुर्गों के साथ अपने घर पर जुटा हुआ है और कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के फिराक में योजनाएं बना रहा है। वहीं दिग्घा थाना अध्यक्ष श्री रघुनाथ प्रसाद सिंह ने सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने अपने अधिकारी एएसआई उमेश प्रसाद, एएसआई गुलशन कुमार को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं सूचना पाते ही अपने दल बल के साथ छापेमारी की, जिसमें कुछ सदस्य भागने में सफल हुए। वहीं अरविंद कुमार बाबा और कल्लू शर्मा मौके पर गिरफ्तार हुए। वहीं अरविंद कुमार बाबा के तलाशी लिए जाने पर उसकी कमर में से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस को भी बरामद किया गया है। और वहीं हम थाना अध्यक्ष ने बताया कि यह अरविंद कुमार का आपराधिक इतिहास भी रहा है कि कई थाना में आर्म्स एक्ट रंगदारी तथा 307 के केस में जेल जा चुका है। उमेश कुमार प्रसाद छापामारी किए, जिससे कुछ सदस्य भागने में सफल हो गए और अरविंद कुमार बाबा और कल्लू शर्मा मौके पर गिरफ्तार हो गए। अरविंद कुमार वर्मा के तलाशी लिए जाने पर उनके कमर में खोसा हुआ एक देसी लोडेड पिस्तौल बरामद हुआ। और आपको विदित हो कि यह अरविंद कुमार उर्फ बाबा यह वही अपराधकर्मी है जो पूर्व में कई थाना से आर्म्स एक्ट और रंगदारी तथा 307 के केस में जेल जा चुका है। पटना से ब्यूरो प्लस की रिपोर्ट। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, अगर आप यूट्यूब पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।